भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में दोनों टीमें एक जैसी स्थिति में नजर आ रही है। फैंस को काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद इंग्लैंड की टीम काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन खेल के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने टीम इंडिया को मुकाबले में वापसी करवाई। इस बीच भारतीय टीम के खिलाड़ी मैच के तीसरे दिन मैदान पर ब्लैक आर्म बैट पहनकर उतरे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दत्ताजी राव गायकवाड़ की याद में काली पट्टी पहनी। दत्ताजी राव 1991 से 1962 के बीच भारत के लिए 11 टेस्ट मैच खेल चुके थे और उनका 13 फरवरी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। 95 वर्ष की उम्र में भारत के सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट क्रिकेटर थे। दत्ताजी राव पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कोच अंशुमन गायकवाड़ के पिता भी थे। बीसीसीआई ने तीसरे दिन का खेल शुरू होने से कुछ समय पहले ही बयान में कहा, टीम इंडिया हाल ही में निधन हुए भारत के पूर्व कप्तान और भारत के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ की याद में काली पट्टी पहनकर मैदान पर उतरेगी।